हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं सीबी टॉनिक्स और हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, एक मैग्नेटिक स्विच किस तरह से काम करता है इस वीडियो में दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक स्विच है जिसके पास में चुंबक ले जाते ही सर्किट चालू हो जाता है। अगर कोई लाइट लगाई गई हो तो लाइट चालू हो जाती है, और अगर लाइट की जगह अगर कोई बजर लगा जाते तो बजर भी इसमें चालू हो सकता है। दोस्तों देखिए, जैसे इसके पास चुंबक जाता है तो ये कैसे लाइट को चालू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ये सर्किट कैसे बनाते हैं और ये इसके लिए हमें किस किस कंपोनेंट की आवश्यकता है। तो देखिए हमारे इस वीडियो को पूरा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक ब्रिज बोर्ड चाहिए होगा, जो कि छोटा सा मेरे पास, आप बड़ा यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ये एक रीड स्विच है, REED, इसको रीड स्विच बोलते हैं या मैग्नेटिक स्विच बोल सकते हैं। NO और NC दो प्रकार में आता है। तो हमारे पास ये जो NC का है, जैसे पास ले जाएंगे तब ये सर्किट को पूरा करता है। और इसके बाद में आगे हमको एक रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। ये रजिस्टर हमें LED के प्रोटेक्शन के लिए है, तो ये 390 ओम का है। आप चाहे तो थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं अपने LED के अनुसार। और ये 5 mm की LED है, तो इस सर्किट में हम इस LED को चलाएंगे। इस LED को लगाने के बाद में हमें इसके लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है जिससे इसको हम पावर देंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट पॉजिटिव जो है वो रजिस्टर, और रजिस्टर से रीड स्विच, और रीड स्विच से LED में गया है, और LED के नेगेटिव में हम डायरेक्ट बैटरी का नेगेटिव दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और ये चुंबक है, देखिए ये मैग्नेट है, मैग्नेट हिंदी में चुंबक बोल सकते हैं। इस चुंबक को हम इसके रीड स्विच के पास ले जाएंगे, तो जैसे पास ले जाएंगे तो सर्किट ऑन हो जाता है। देखिए, ठीक है, इस तरह से सर्किट के पास ले जाते ही सर्किट ऑन हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो स्विच होता है, ये हम अपने होम में घर के दरवाजे पास लगा सकते हैं। जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर भी दोस्तों ये लगा रहता है। जैसे फ्रिज खोलते हैं तो लाइट चालू हो, और जैसे ही फ्रिज बंद करते हैं उसकी लाइट बंद हो जाती है अंदर की। ऐसे ही हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।